आ जाओगे दोस्तों, मेरी एक और यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस वक्त मैं हूँ पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो वैंकूवर वाशिंगटन से जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से कोई ऐसे अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो 15 मिनट लगते हैं हमें यहाँ पर आने में। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा और फिर एयरपोर्ट के अंदर जाकर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन जब मैं यहाँ सुबह आया 1:45 बजे करीब, तो यहाँ तो देख ही सकते हो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ, एकदम सन्नाटा, कोई इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे। मेरी फ्लाइट है सुबह 5:04 पर है और सीट नंबर मेरा है 30A। ए जो होता है जनरली वो विंडो सीट होती है, तो इसलिए मैंने विंडो सीट ली है कि कुछ एक वीडियो ऊपर से रिकॉर्ड कर लूँगा उड़ते समय। यहाँ देख सकते हो आप, इस समय तो कोई है ही नहीं, कोई इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं वहाँ, जो दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यार, मैं सिक्योरिटी चेक इन से जाता हूँ अंदर। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा भैया तो सुबह खुलेगा 3:30 के बाद में, तो इस समय 4:15 हो रहे हैं सुबह के, और अब मैं सिक्योरिटी चेकअप के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद चलेंगे अंदर। लेकिन मेरी अपेक्षाओं के अनुसार सुबह बहुत कम लोग थे यहाँ पर, बहुत ही कम, 4 के बाद शायद इक्का दुक्का फ्लाइट्स हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी हवाई यात्रा नहीं करी, तो उनके लिए ये एक वीडियो है मेरा। आप देख सकते हो पहले यहाँ पर आपका एक जगह पर सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है आपको एयरपोर्ट की, जहाँ पे आपका सब कुछ चेकिंग होती है, आपकी बॉडी चेक होता है, सारे आपको जैकेट वगैरह, जूते, बेल्ट सब उतार कर रखने पड़ते हैं इन ट्रेज में जो स्कैनर के अंदर से जाती हैं। तो सबका चेकअप हो गया है, मेरा भी चेकअप हो गया है, और इससे पहले के हवाई यात्रा स्टार्ट हो मेरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेट नंबर जो है E3 है मेरा, जहाँ से मैं अपनी फ्लाइट पकड़ूँगा। और ह्यूस्टन जो है वो टेक्सास एक राज्य है अमेरिका का, उसका सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है, और 2020 की जो जनगणना है या सेंसस है उसके हिसाब से ह्यूस्टन की आबादी 20 लाख से कुछ ज़्यादा है। तो आप ये समझ सकते हो कि 20 लाख से ज़्यादा आबादी वाला शहर जो है वो बहुत बड़ी आबादी वाले में गिना जाता है, और अमेरिका के जो बड़ी आबादी के शहर हैं उनमें चौथा सबसे बड़ा शहर जो है वो ह्यूस्टन है, और वहीं मैं जा रहा हूँ। मैंने वीडियो कुछ बना लिए हैं, जैसे मैं ये वीडियो में मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने एक वीडियो और बना लिया है एक्वेरियम का, अगर आपके घर में बच्चे हों छोटे तो आप उनको ज़रूर से दिखाना, उन लोग को अच्छा लगेगा। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आज पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल के ऊपर अमेरिका के बारे में 500 से ज़्यादा वीडियो हैं। आई होप आप जब वहाँ जाओगे चैनल को सब्सक्राइब करोगे अगर, तो आपको बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जो शायद आप देखना चाहते हो। और इस वक्त मैं जो हूँ ह्यूस्टन के आसमान में हूँ, और जब आप आसमान में उड़ रहे होते हो तो नीचे का जो नज़ारा होता है वो आप देखो कैसा होता है। और ज़्यादा बोलने या बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक फील देना चाहता हूँ कि जब हम लैंड कर रहे होते हैं प्लेन से तो उस समय किस तरीके की अनुभूति होती है और किस तरीके से हवाई जहाज़ लैंड करता है, और मेरा आपको छोड़ने का वक्त हो रहा है। और जब मैं वीडियो छोड़ कर जाता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ जाने से पहले कोई बात मेरे यार, बखैर, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय द लैंडिंग। Once we pull all the way into the gate and the captain puts the brake on, he'll take the passenger seatbelt sign off.